नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है 23 अगस्त 2020 दोस्तों, और यहां पर नए सप्ताह जो नया सप्ताह स्टार्ट हो रहा है 24 अगस्त 2020 के लिए, वहां के लिए मैंने स्टॉक फटाफट वाले सेक्शन में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने दो स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लिया है। स्विंग ट्रेडिंग के दो स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट कर लिए, वो दोनों स्टॉक्स के यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसे आप शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट बना सके। जो लोग इंट्राडे को अवॉइड करके शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये स्टॉक्स हमेशा प्रोवाइड करता रहता हूँ, ये सेक्शन में स्टॉक्स लेकर आता हूँ, जिसका नाम होता है स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक। क्या नाम होता है? स्विंग ट्रेडिंग, है ना। तो इस सेक्शन में मैंने पहले भी कई वीडियो पोस्ट किए, आप जाके चेक कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग वाले पोस्ट में आपको बहुत सारी बेहतरीन सब स्टॉक्स मिलेंगे, जिसमें सारे टारगेट डन हो चुके हैं। उसी क्रम में दोस्तों, आगे मैंने स्टॉक जो रखा हुआ है वो स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। वीडियो में कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया में। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत करता हूँ, सबसे पहला स्टॉक जो कि आपके सामने में है, उसका नाम है V2 रिटेल। सबसे पहले हम V2 रिटेल के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों, कि V2 रिटेल का सिलेक्शन किस किस बेस पे किया गया है, तब जाके हम लोग इसके टारगेट और स्टॉप लॉस की बात करेंगे, बाइंग प्राइस की बात करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ रीजन जो है, माने रीजन ऑफ सिलेक्शन, सॉरी, सेलेक्ट करने का जो रीजन है, मैं पहला अगर रीजन बात करूं तो सिर्फ एक छोटा सा विचार कि अभी हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो है कोरोना चल रहा है, इसके वजह से सारे मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सारे बंद पड़े हैं। लेकिन और V2 भी उसी तरह का एक व्यापार में काम करता है, इसका नाम ही है V2 रिटेल। इसका नाम क्या है? V2 रिटेल, यानी कि ये रिटेल के सेक्टर में काम करता है, जहाँ पे क्लोथिंग वगैरह, कपड़ा वगैरह, एसेसरीज वगैरह बिक्री होती है। तो जब ये मॉल बंद है, अब धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है, अनलॉक की प्रक्रिया, माने अनलॉक करना स्टार्ट किया है। पहले लॉकडाउन था, अब लॉकडाउन में ये सारे लॉक थे, है ना, ये सारे लॉक थे, अब ये सरकार अनलॉक कर रही है धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं इस स्टोर को भी अब ओपन करने की इजाज़त मिले। हालांकि मेरे शहर में भी है और यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ V2 जो है ऑलरेडी ओपन है, सरकार के द्वारा जो छूट मिला है उसका लाभ उठाते हुए ये ओपन हो रहा है। तो अब धीरे धीरे जैसे ही पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो V2 रिटेल जैसे स्टोर जो है वो भी ओपन होना शुरू हो जाएंगे, और लोगों की शॉपिंग वहाँ पे शुरू हो जाएगी। जब लोगों की शॉपिंग शुरू हो जाएगी तो इस स्टॉक्स में मूवमेंट आएगा। हालांकि मूवमेंट इसने 2-3 सप्ताह पहले ही स्टार्ट कर दिया है, मैं ये जहाँ तक देख रहा था, इसके आशीष कर रहा था। इसके वजह से सबसे पहला तो रीज़न ये है कि इकोनॉमिकल, अब जब अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो फिर इसमें मूवमेंट आएगा, लोग मॉल जाना स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें मूवमेंट आएगा। पहली बात ये तो हुआ नॉर्मल चीज़ें। अब जो मैंने इसको देखा है टेक्निकली चार्ट पर, उसके हिसाब से आपको ये समझना है कि ये स्टॉक्स बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन का नीचे में ट्रेड कर रहा था। आप देखिए, बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के ये एक प्राइस चैनल है, डाउन से अप गया, अप से फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, और फिर ये अप गया, फिर ये डाउन, फिर ये अप, डाउन नहीं आके ये ब्रेक। जब ये डाउन नहीं आया तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या था कि अब ये नीचे आने के मूड में नहीं है। पैटर्न के हिसाब से इसको नीचे आना चाहिए था, नीचे नहीं आके वो ऊपर चला गया। तो कहने का मतलब है, अब इसको डाउन आने के मूड में अब ये स्टॉक्स नहीं है। इसका मतलब ये ट्रेंड कहीं ना कहीं अपना डाउन ट्रेंड जो है ख़त्म कर रहा है। क्या कर रहा है? डाउन ट्रेंड जो है अब ख़त्म कर रहा है, क्लोज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अब इसमें अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो अप ट्रेंड के लिए भी हमें ब्रेकआउट वगैरह तो चाहिए ही ना, जो कि इसने इस फिलहाल इस यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दे चुका है। ठीक है, इस कैंडल पास 50 रुपीज के पास ब्रेकआउट दे चुका है। जरा हम लोग इसका वॉल्यूम प्लॉट करते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि देखिए, इसने जबरदस्त ब्रेकआउट, जबरदस्त वॉल्यूम के साथ भी ब्रेकआउट हमारा किया हुआ था यहाँ पे, है ना, जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। तो वॉल्यूम तो सही है, साथ ही हमारा टेक्निकल चार्ट पे भी ब्रेकआउट हुआ पड़ा है, ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए इसके साथ ही स्टॉक्स में एक चीज और भी देखेंगे कि स्टॉक्स ने एक जगह से सपोर्ट बनाया था नियर में। अभी आप देखें, मैं इस लाइन को ऐसे करके ड्रॉ करूंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर स्टार्ट होना पता चल जाएगा। ये देखिए 50 रुपीज का जो प्राइस है, ये स्टॉक्स यहाँ से आता है, 50 को टेस्ट करता है, 50 के ऊपर जाता है, फिर यहीं पे आता है, फिर 50 को टेस्ट करता है, फिर 50 के नीचे आके थोड़ा वीक होता है, लेकिन जैसे ही 50 को ब्रेक किया तो फिर बाउंस होकर ऊपर चला गया। यानी कि 50 रुपीज का जो प्राइस है इसका, अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सपोर्ट जो है हमारा क्या बन गया है, सपोर्ट प्राइस हमारा क्या हो गया, 50 रुपीज का हो गया। चलिए कोई बात नहीं, 50 रुपीज का हमारा सपोर्ट बन गया। अब
टेक्निकली चार्ट पे ये हमारा सही है, टेक्निकली चार्ट पे ये हमारा सही है, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं ये एक राउंडिंग बॉटम जैसा भी पैटर्न डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जो कि पहले भी इसने कोशिश किया था, और उसके बिल्कुल अपर को टेस्ट करने की ये तैयारी कर रहा है, यानी उसको भी ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो कुल मिला के टेक्निकल चार्ट पे तो ये सही लग रहा है मुझे, डेली के टाइम फ्रेम पर। टाइम फ्रेम क्या है? डेली का टाइम फ्रेम है। अब ये हमें ये देखना, क्या ये इंडिकेटर वाले चार्ट पे भी सही है या नहीं है? टेक्निकली तो ठीक है, और जो लॉजिकल बात है अनलॉक और लॉकडाउन वाली, उसके हिसाब से भी इसमें मूवमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। अभी चलते हैं हम लोग कुछ इंडिकेटर्स वगैरह प्लॉट करते हैं, जो आप लोग फॉलो करते होंगे, मैं उसको भी देखने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके पैटर्न को भी समझेंगे यहाँ पे से। जैसे ये नीचे से ब्रेकआउट हुआ ना ऐसे करके, ऐसे तो ब्रेकआउट हो गया, ऐसे करके था और यहाँ से एक ब्रेकआउट हो गया, इसके बाद अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर ऐसे चला जाएगा ना, लॉजिकल फिर तो ये बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक्स में अब ट्रेंड अप का स्टार्ट हो चुका है, अब ट्रेंड का स्टार्ट हो चुका है। हम एक छोटे से मूविंग एवरेज को प्लॉट कर लेते हैं सबसे पहले, जैसे 9 डेज को प्लॉट करते हैं, तो 9 डे में हम क्या पाते हैं? अच्छा, ये व्हाइट बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है ना, मस्त लग रहा है, चलिए मैंने ब्लैक के जगह व्हाइट कर दिया। अभी यहाँ पे देखिए क्या किया कि 9 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर रहा है, ये जो येलो लाइन है वो 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, पॉजिटिव का सिग्नल। दो स्टॉक्स बताऊंगा मैं आपको, दो स्टॉक, अभी एक स्टॉक में परेशान नहीं होना, अभी इसके अलावा दूसरा स्टॉक्स भी दूंगा। तो पहला B2 रिटेल है, पहले इसके रीजन समझ लेते हैं। फिर 26 के ऊपर भी ये क्लोज कर रहा है, अच्छी बात है, 26 के ऊपर भी क्लोज कर गया, 50 के ऊपर क्लोज कर रहा है, ये भी क्लोज कर गया, अच्छी बात है, 100 के ऊपर कर रहा है कि नहीं, तो हम क्या पाते हैं, बिल्कुल 100 का रेजिस्टेंस लेकर वहीं से गिरा है। तो क्या है रेजिस्टेंस? इसका मतलब है इसका रेजिस्टेंस जो है, अब जो इंडिकेटर वाले चार्ट की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस 100 डे का DMA और इसके बाद 200 DMA का बनेगा, यही तो बन रहा है, और सपोर्ट हमारा 9+26+50 डे का भी बन रहा है, ये तो हमारा सपोर्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि हमें लेना किस प्राइस पे। अच्छा, इसके अलावा आप लोग MACD RSI भी तो फॉलो करते हैं, वो तो भूल गया मैं, चलिए MACD को लगा लेते हैं। MACD को जब लगाया तो क्या पाते हैं? ओ कि भाई ये तो क्रॉसओवर कर चुका है, MACD पॉजिटिव हो चुका है, हिस्टोग्राम चार्ट भी बन रहा है, बढ़िया बात है। चलिए RSI भी देखते हैं, RSI अभी देखिए, RSI की बात करें तो RSI भी भाई जबरदस्त ब्रेकआउट का तैयारी कर रहा है, 64 के पास जा रहा है, तो ये भी ब्रेकआउट हो सकता है, चलिए ये दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा दोस्तों, एक ऐसा काम करता हूँ कि मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था बोलिंजर बैंड वाली अपने बाजार आर्ट न्यूज चैनल पे, क्यों ना हम लोग एक बार बोलिंजर बैंड को लगा के इस पे देखें कि बोलिंजर बैंड आपके लिए क्या बता रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ लगा लिया बोलिंजर बैंड, हम क्या पा रहे हैं, ये बोलिंजर बैंड के बिल्कुल अपर रेंज में जा रहा है भाई, बिल्कुल अपर रेंज, और ये रेंज जो है ना फैलता जा रहा है, ये रेंज क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है, कैसे बड़ा हो रहा है, ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे चिपकना चाहिए था, नहीं चिपकाना, बड़ा हो गया, फैल गया, यानी इसको स्पेस ऊपर की तरफ बना रहा है, स्पेस ऊपर की तरफ बना रहा है, मतलब ये और भी पॉजिटिव हो रहा है, और बिल्कुल लोअर बैंड से गया है ऊपर की तरफ में। तो ये चीजें आपको समझना होगा कि ये फैल रहा है, इसका बैंड का चौड़ाई क्या हो रहा है, फैल रहा है, स्प्रेड क्या हो रहा है, ये दोनों के बीच का, देखिए ये स्प्रेड कम था, अभी देखिए स्प्रेड फैलता गया, बड़ा हो गया, स्प्रेड बड़ा हो गया, ये बड़ा होता जा रहा है, स्प्रेड अगर बड़ा हो रहा है, इसका चौड़ाई बीच का ये बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब है कल को ये और भी ऐसे बड़ा हो जाएगा, है ना, ये और भी ऐसे बड़ा हो जाएगा, इन स्टॉक्स और ऊपर भी आ सकता है, स्टॉक ऐसे और ऊपर भी आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये बोलिंजर बैंड भी आपको पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। चलिए, तो हमें टेक्निकल चार्ट भी अच्छे लग रहे और इंडिकेटर बेस भी अच्छे लग रहे हैं, V2 रिटेल, तो इसको लेवल किस प्राइस पे हम लोग बाय करके लेके जाएंगे स्टॉक्स, V2 रिटेल को जो हम डिलीवरी लेके जाएंगे, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए होगा, तो डिलीवरी करेंगे जब ये 60 रुपीज के ऊपर क्लोज करेगा, तब बाय अबव 60, 60 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है 60 के ऊपर, तो हम डिलीवरी लेके जाते हैं, कैश एंड कैरी लेके जाते हैं, और कैश एंड कैरी कितने बजे लेके जाते हैं, 3:20 से लेके 3:25 तक, अगर 3:20 से लेके 3:25 तक अगर स्टॉक्स इस लेवल पर ट्रेड करता रहता है या इसके थोड़ा सा ऊपर ट्रेड करता रहता है, तो हम डिलीवरी लेके जाते हैं, यानी 60 रुपए के ऊपर हमें बाय पोजीशन बनाना है, और स्टॉप लॉस हम कितने का लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम लगा लेंगे 50 रुपीज का, 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, 10 पॉइंट का रिस्क बनेगा, ध्यान से समझना, और इस कंडीशन में जब 50-60 के ऊपर बाय करेंगे, स्टॉप लॉस 50 का लगाएंगे, टारगेट कितना का लेंगे, टारगेट हमारा होगा पहला 74 का, यानी कि 74 रुपए का, और सेकंड टारगेट होगा 95 का, यानी कि 95 रुपए का, ये हमारा रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, एक बार आपको एक बार रेजिस्टेंस पाएगा ये लगभग इसके पहले वो 65 के आसपास में, एक बार वो हो सकता है अटके, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, 65 के पास हो सकता है वो अटके, 60 को ब्रेकआउट के बाद 65 के पास हो सकता है वो अटके, उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट करेगा, तो 74 से लेके
95 तक का एक टारगेट दे सकता है, स्टॉप लॉस 50 रुपए के आसपास का होगा, बाइंग प्राइस 60 का। तो ये एक स्टॉक है दोस्तों बीटू रिटेल जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने सेलेक्ट किया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो देख के चुपचाप निकल लेते हैं, खिसक लेते हैं, तो गलत बात है। वीडियो देखते हैं तो कमेंट भी जरूर करना चाहिए। दूसरा एक और स्टॉक दूंगा मैं इसके बाद, टेंशन नहीं लेना। देखिए दूसरा स्टॉक भी मैंने पहले भी रिकमेंड किया था, आपने प्रॉफिट बनाया था, लेकिन उम्मीद करता हूँ इसमें भी और भी प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। वो है रेमंड का, याद आया, रेमंड का मैंने पहले भी रिकमेंड किया था आप लोगों को। तो रेमंड का जो सिलेक्शन है अभी सारे रीजन वही है सेम। आप देखेंगे बी टू रिटेल के जैसा ही स्टॉक्स ने एक प्राइस रन का ब्रेकआउट किया, नहीं किया, और आप देखेंगे कि यहीं से ये बाउंस होके फिर वो हायर हाई बनाता हुआ ऊपर चला गया। ये भी सही है, हमें इस हिसाब से दिखाई दे रहा है कि भाई इसमें ब्रेकआउट आ रहा है, लेकिन इसमें अभी और भी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि स्टॉक्स में और भी मूवमेंट अभी आने वाले समय में, अप डाउन और अप गया, फिर एक डाउन हो गया, फिर ऐसे अप जा सकता है। तो हम क्यों ना इसका थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शन का वेट करें, जरा सा एक इंडिकेशन का वेट करें। लेकिन लेवल मैं अभी आपको बता देता हूँ कि रेमंड आगे में स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी भी मैं देख पा रहा हूँ, तो रेमंड का जो ये चार्ट है ये हमें और भी पॉजिटिव मूवमेंट दे सकता है। अगर रेमंड ऊपर की साइड में 300 के ऊपर निकलता है, वॉल्यूम देख रहे हैं ना, वॉल्यूम में कमी नहीं है, वॉल्यूम जबरदस्त है बंदे को, है ना, वॉल्यूम में कमी नहीं है। तो 300 के ऊपर जब रेमंड निकलेगा, क्लोज करेगा, तब हम बाय करेंगे, बाय अब 300, और स्टॉप लॉस रेमंड में इस कंडीशन में हम लोग लगा लेंगे 280 का, 280 रुपए का। मैंने पहले 260 पे बाय करवाया था आपको, और उसके बाद देखिए 280 तक का टारगेट वो तो डन हो गया। अब हम रेमंड में नया पोजीशन 300 के ऊपर बनाएंगे। जिन लोगों ने मिस हो गया, रेमंड में नहीं बना पाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, 300 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए दूसरा स्टॉक दिया रेमंड, स्टॉप लॉस 280 का लगाएंगे, 280 का, और टारगेट हमारा इस कंडीशन में होगा रेमंड में दोस्तों, एक टारगेट यहाँ पे दूंगा वो है 350, 350 रुपए का एक टारगेट होगा 350 का। तो ये आपको रेमंड पे नजर रखना है, ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट, और उसके बाद अपर लोअर को ट्रेड करते हुए जा रहा है। तो हमने दो स्टॉक आपको दिए, एक दिए V2 रिटेल का और दूसरा दिया रेमंड का, दोनों के लेवल और दोनों के रीजन मैंने आपको बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों स्टॉक्स पे नजर रखेंगे, और आने वाला सप्ताह में अगर वो प्राइस आता है तो पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे जरूर। मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।